कोई गाड़ी हम लोग रोड पर चलाते हैं तो उसकी एज होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर हो तभी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी नहीं चलेगा। और हाँ, रेलगाड़ी के लिए क्या है कि पहले हम टिकट ले लें। टिकट क्या ले लें? टिकट, रेल टिकट लें, उसके बाद ही हम रेलगाड़ी पर चढ़े। लेकिन एक बात और बोल दे बच्चे, बहुत सारे ऐसे जगह है जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग समझते है ना, जैसे पटरी है और वहाँ पर रोड भी बना हुआ है, रोड भी बना हुआ है, रेल की पटरी है और ट्रेन उधर से आएगी तो लोग क्या करता है हड़बड़ी में फाटक बंद अगर मान लीजिए नहीं है तो वो देखेगा नहीं, फाटक तो समय समय पर बंद होते रहता है रेल का, तो वो देखेगा नहीं कि चलो भाई अभी तो फाटक बंद नहीं हुआ है तो हम जैसे तैसे अपने रेल को पार करके। बहुत सारे ऐसे ट्रेन होते हैं एक्सप्रेस ट्रेन जो हड़बड़ाते हुए आती है और जब हम फाटक को बिना देखे इधर उधर पार करने लगते हैं उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जहाँ पर रेल का जो क्रॉसिंग वगैरह हो फाटक हो वहाँ पर हम वेट करें, रेल पास हो तो हमारा फाटक खुले तब उसके बाद ही हम पैदल चलते पार करें, समझ रहे हैं ना। पैदल या जैसे भी किस घर का फाटक खुल जाएगा उसके बाद हड़बड़ी में नहीं। हाँ एक चीज जरूर देखें, जैसे गार्ड हमारे जो रेल के जो गार्ड होते हैं वो हरा झंडी और लाल झंडी रखते हैं, तो जब हरा झंडी दिख जाए पर चढ़ने के बारे में बता रहे हैं तो उस समय हड़बड़ा के हम चढ़ने लगते हैं, अरे ट्रेन खुल गई, उस समय तो बिल्कुल नहीं ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन रुका हुआ हो उसी समय हम ट्रेन पर चढ़े, समझ रहे ना। जब झंडी दिखाई दे तो गार्ड का हरा है नहीं तो हरा, और लाल में क्या होता है जब लाल झंडी गार्ड दिखाता है ड्राइवर रुक देता है तो सीटी बजाता है चलने के लिए और हरा झंडी दिखाता है, ये भी देखना। चलती ट्रेन में हम ना चढ़े, समझना, ट्रेन में चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, मतलब कोई उतर रहा है तो बारी का हम इंतजार करें उसको उतरने दे, समझ रहे बच्चे, उसके बाद हम उतर जाए उसके बाद हम उतना समय रहता ट्रेन के गेट पर खड़ा ना रहे, खिड़की से बाहर हाथ निकाल के ना रखे। और जब प्लेटफॉर्म पर हम लोग चढ़ने जाते हैं तो ट्रेन से ऐसे करके हम लोग सट के जाते हैं ना, थोड़ा दूरी बना के जैसे ट्रेन रुकी है तो फिर उसी समय बगल से ही हम लोग चले जाते हैं, नहीं कभी होता है कोई फेर ही देता, कोई धक्का मुक्की हो गया तो क्या होगा हम पटरी पर चले जाएंगे अंदर, इसीलिए दूरी बना के प्लेटफॉर्म पर हम ट्रेन से भी जाते हैं, तो इस तरह से हम अपने को बचा सकते हैं ट्रेन सुरक्षा से। ठीक है।